कूटनीति के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जी, एक होता है संपर्क और दूसरा होता है संवाद जी। जिन देशों के बीच में अच्छा संपर्क और संवाद रहता है जी, उससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और एक दूसरे के लिए वो हितकारी होते हैं जी। भारत की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो आज सर्वाधिक व्यापार की दृष्टि से या महत्व की दृष्टि से अगर कोई एक भौगोलिक अंग भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो आसियान वाला है जी। क्योंकि सारा जो है समुद्र के द्वारा हमारी सबसे ज्यादा नजदीकियां इस पूरे क्षेत्र से हैं जी, और भारत के भविष्य को देखते हुए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसलिए ऐसे मौके पे इन सबको यहां बुला के उनका आतिथ्य करना, उनसे संपर्क और संवाद करना और अपनी महत्वता और उनका हित दोनों का जो है समन्वय बैठाना जी, मुझे लगता है कूटनीतिक दृष्टि से हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा सांस्कृतिक दृष्टि से अगर समन्वय भारत का किसी एक प्रदेश से है तो इस सारे क्षेत्र से है, चाहे वो बौद्ध धर्म को लेके हो, चाहे हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे उन सारे देशों में कहीं ना कहीं जुड़ाव है, चाहे रामायण को ले लीजिए, चाहे कोई कोई हमारा जो धार्मिक प्रतीक है उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। उसी जुड़ाव को भावनात्मक तौर से जोड़ना और कूटनीतिक तौर से जोड़ना, ये दोनों दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ये मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। बिल्कुल सुधांशु मित्तल, मैं लौटूंगा आपके पास।